हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक और अकाउंटिंग टर्म के बारे में समझेंगे और इस अकाउंटिंग टर्म का नाम है एसेट्स। किसी भी फर्म के पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसको उस फर्म की एसेट्स बोला जाता है। अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती है? प्रॉपर्टीज़ में उनके पास लैंड हो सकती है, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है। तो एसेट्स जो कंपनी एक्वायर करती है, डेट इज़ नॉट फॉर द पर्पस टू रीसेल देम बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। उनको एक्वायर इसलिए किया जाता है कि जिससे कि कंपनी में कुछ फ़ायदा हो, कुछ उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। एसेट्स को फिर से तीन पार्ट्स में बांटा जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम यहाँ लिख के समझेंगे। नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले हम समझेंगे नॉन करंट एसेट्स को। जैसे कि हमने समझा था, नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि पेबल होती थी आफ्टर वन ईयर, दो साल में, तीन साल में, एक साल के बाद पेबल होती थी, इसी तरह नॉन करंट एसेट्स होती हैं जिनको सिर्फ एक साल के लिए नहीं रखा जाता है, इनको लंबे समय के लिए रखा जाता है। और अगेन, इनको बेचने के पर्पज से नहीं रखा जाता, इनको कंपनी के फायदे के लिए रखा जाता है। और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सेम लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, जो भी एसेट्स हैं हमारे, कंप्यूटर्स हो गए हमारे पास, और इवन सॉफ्टवेयर्स हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, तो ये नॉन करंट एसेट्स में है। और इन नॉन करंट एसेट्स को फिर से हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स और सेकंड इज इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जिनको कि हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस की फॉर्म में है हमारे पास, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? हमारे पास मशीन है, फर्नीचर है, बोर्ड है ये हमारा, बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स हैं, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। और अगेन, इनटेंजिबल एसेट्स को का काम होता है कंपनी के फायदे के लिए, नॉट फॉर द पर्पज टू रीसेल दैम। और अगली आती है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं जो दिख भी नहीं रही हैं लेकिन हमारी एसेट्स हैं? लेकिन हाँ, एसेट्स होती हैं ऐसी, बता सक आप बताइए कौन सी एसेट्स होती हैं? मैं बताता हूँ आपको एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में हमारी आती है गुडविल, गुडविल का नाम आपने सुना होगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एसेट्स हैं। गुडविल, गुडविल का नाम आप जानते होंगे, गुडविल होती है ख्याति जिसे कहते हैं, कंपनी की रेपुटेशन, ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी, लाइक सैमसंग, एलजी, इनके प्रोडक्ट्स की गुडविल ही अलग है, इन कंपनीज की गुडविल, ख्याति ही अलग है, रिलायंस के प्रोडक्ट्स, तो गुडविल आप सबको मालूम है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और जिनके पास ये लाइसेंस होता है वही उस प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है ड्रग्स के लिए, देती है मेडिसिंस के लिए, देती है अल्कोहल के लिए देती है, या किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है उसको बोलते हैं पेटेंट। ये भी हमारे पास फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास लाइसेंस है बट एसेट्स है, दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है लोगो। लोगो आपने देखा होगा, अमेज़न का लोगो, ये अमेज़न का लोगो है। इट मीन्स बहुत ए टू जेड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अमेज़न, बहुत मीनिंगफुल अमेज़न का लोगो है। ऑडी का लोगो, ऑडी का लोगो तो आप सब लोग बता दोगे, ऑडी कार, इसी तरह और एग्जांपल ले लीजिए मर्सिडीज, मर्सिडीज, मर्सिडीज कार का लोगो। तो ये है लोगो। और इनटेंजिबल एसेट्स का एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जिनका काम ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना ही है, और वो उनकी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप हो गया, ये सब कंपनीज का काम सॉफ्टवेयर को ही बनाना है, और दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स फॉर दीज कंपनीज। तो ये था इंटेंजिबल एसेट्स। अब हम समझेंगे करंट एसेट्स क्या होती है। करंट एसेट्स कोई भी कंपनी एक्वायर करती है जस्ट फॉर द पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल कंपनी कुछ गुड्स प्रोड्यूस करती है फॉर द पर्पस टू रीसेल देम, उनसे प्रॉफिट कमाया जाए, टू अर्न प्रॉफिट। दीज एसेट्स आर हेल्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी ने अगर कुछ गुड्स बेचा है उधार पे, तो वो हमारे डेटर्स, उधार दिया है तो एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में वो हमको लौटा देंगे। दीज आर द करंट एसेट्स जो इसी अकाउंटिंग पीरियड्स में हमको वापस मिलने वाला है। अब थर्ड हमारा आता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जो फिक्टिशियस हैं और फिर भी हम उनको एसेट्स कह रहे हैं? यस, ऐसी एसेट्स हैं, दीज आर एक्चुअली फेक एसेट्स। ये एक्चुअली एसेट्स हैं ही नहीं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे लॉसेस हैं, जिनको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा रहे हैं। इसके एग्जांपल्स मैं देता हूँ आपको। हमने कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए, इस साल पे कर दिए, जिनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। इस साल दे दिए, अगले साल का भी पा, प्री एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, तो करंट ईयर के लिए ये हमारे पास एसेट्स है। इसी तरह हम अपने प्रोडक्ट के लिए प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट्स में हमने पैसा खर्च किया, तो वो हमने एडवर्टीजमेंट में पैसा दो साल, तीन साल, चार साल के लिए एक बार में ही दे दिया, तो वो करंट ईयर के लिए हमारे पास एसेट्स है, और इस एसेट्स को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये था एसेट्स के ऊपर हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम कैपिटल के बारे में समझ चुके हैं, लायबिलिटीज के बारे में समझ चुके हैं, और एसेट्स के बारे में समझ चुके हैं। ये तीनों आइटम्स बैलेंस शीट आइटम्स हैं, और अब हम ये समझेंगे कि बैलेंस शीट में क्या फॉर्मेट होता है और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बैलेंस शीट टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है। इसके डेबिट साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको डेबिट साइड बोलते हैं, और यहां पे लायबिलिटीज आती हैं।
और जो राइट हैंड साइड है इसको क्रेडिट साइड बोला जाता है। यहां आती हैं एसेट्स। डेबिट साइड के अंदर कैपिटल आती है सबसे पहले, इसका अमाउंट, अदर लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज तो नहीं, इसके अलावा अदर मिसलेनियस लाइबिलिटीज, ये और यहां पे सारी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स ये आती। जो ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल है इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे अब हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन के आती है कि एसेट्स जो हैं दीज आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, करेक्ट। अब इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इसको डिटेल में न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब कुछ पसंद आया होगा आपको, अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।